दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो, इस सपने और संकल्प के साथ संघ की इकाई भारत विकास परिषद भी अपनी जिम्मेदारी पूरे जोर के साथ निभा रही है। फिर चाहे बात जल संरक्षण की हो या पर्यावरण और प्लास्टिक मुक्त दिल्ली की, दिल्ली के अशोक विहार स्थित अशोक गार्डन में ये तस्वीरें भी उसी की वानगी हैं। भारत विकास परिषद की अशोक विहार शाखा ने शनिवार को विशाल वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर भारत विकास परिषद से जुड़े कई बड़े पदाधिकारी, जिनमें राष्ट्रीय वित्त सचिव ओम प्रकाश कानूनगो, राष्ट्रीय सचिव सुरेश चंद्र जैन और दिल्ली अध्यक्ष सुभाष मनोचा सहित इस परिवार से जुड़े बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मुख्य अतिथियों ने इस कार्य की प्रशंसा की और परिषद द्वारा दिल्ली में किए गए कार्यों से भी अवगत कराया। वो वर्टिकल गार्डन जो बनाया है उन्होंने, चारों तरफ से वर्टिकल गार्डन, ये भारत विकास परिषद का कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी है। जो पुनीत गर्ग वहां थे, कमिश्नर अभी चले गए हैं, अभी गोवा चले गए हैं साउथ के, उनके साथ हमने एमओयू किया था। एलजी साहब की प्रेरणा से ये हमने उस समय वो किया था और अभी देखो कितना अच्छा लगता है। ऐसे अपने घर की आगे की दीवार के साथ भी हम इस प्रकार का वर्टिकल गार्डन बना सकते हैं। अगर पौधों की जगह नहीं है, पौधा लगाने की जगह नहीं है, तो अपनी दीवार के बाहर, जैसा बड़ी कोठी है तो उसके बाहर हम एक अच्छा वर्टिकल गार्डन बना सकते हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचे प्रमुख गणमान्य लोगों को तुलसी का पौधा देकर सम्मानित भी किया गया। मुख्य अतिथियों ने कहा कि दिल्ली में सभी ने अशोक विहार शाखा के प्रधान आशुतोष गुप्ता के इस कार्य की प्रशंसा की। आशुतोष ने इस बार विशेष ध्यान रखा कि पौधे सही जगह पर लगे, प्लास्टिक का उपयोग न हो। केवल वृक्षारोपण नहीं, हमने साथ में इसके पर्यावरण का हर पहलू ध्यान में रखते हुए बिल्कुल इसे प्लास्टिक फ्री किया है। जैसे कि पानी का जो हमारी व्यवस्था है, उसके अंदर हमने पानी के गिलास नहीं लाए हैं, बल्कि वाटर डिस्पेंसर लगा करके गत्ते के गिलासों में पानी दिया है। साथ ही जो जलपान की व्यवस्था है, उसके अंदर अमूमन प्लास्टिक के चम्मच इस्तेमाल होते हैं, हमने उसके लिए भी लकड़ी के चम्मच, और बिल्कुल जो भोजन की पैकेट है वो भी बिना प्लास्टिक के। इस वृक्षारोपण समारोह में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। सभी ने वृक्षारोपण तो किया ही, साथ ही पौधों के साथ सेल्फी लेकर उनके प्रति अपना प्रेम भी जाहिर किया। सचमुच अशोक विहार शाखा का ये प्रयास बेहद सराहनीय है। अशोक गुप्ता की पूरी टीम को दिल्ली दर्पण टीवी का सलाम। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी।